हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है बुलेट ट्रेन का भारत में पहला स्टेशन। अरे वाह, महात्मा गांधी के चरखे जैसा इंजन। अरे वाह, ये कहाँ है? साबरमती स्टेशन। अरे वाह, चलो वेरी देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश और दुनिया की निगाहें भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है कि आखिर काम कहां तक हुआ, कब तक ये पूरा होगा, कब लोग बुलेट ट्रेन में सफर कर पाएंगे। और उसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की ताजा अपडेट लेकर के हम आपके पास आए हैं कि अभी तक क्या काम हुआ है, और उसकी पहली झलक आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं साबरमती स्टेशन। जल्दी हो ये तो बहुत ही सुंदर बीच है। में कुछ हो गया, मगर वही है कि पहले आप तो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन ठीक सुंदर करिए है। दिल्ली की, उसके बाद ही कुछ होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का तो साबरमती सेंट्रल स्टेशन के ट्रैक है ठीक ना। सामने आप मौजूद हैं, और ये है इस साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक, जहां आपको महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का जो तमाम चित्रण है वो इस स्टेशन पे आपको दिखाई देगा। और बेहद खूबसूरत विशाल का ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन यहाँ पर बन रहा है। दिन रात काम यहाँ पर लगातार चल रहा है, और एक बिल्डिंग यहाँ पर आप इसकी पहली झलक देख पा रहे होंगे कि येल्लो और ब्लू का यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का पूरा विवरण यहाँ पर दिखाई देगा आपको। सामने से तो महात्मा गांधी के यहाँ पे दांडी यात्रा, हाथ में लाठी लिए हुए महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं, जबकि डिजाइन ऐसा भी है कि टॉप से यानी कि ऊपर से जो ये स्टेशन दिखाई देगा तो ऊपर चरखा डिजाइन इसमें बनाया गया है। तो उस दांडी यात्रा से और साथ ही साथ महात्मा गांधी के चरखे को डिजाइन लेकर के ये साबरमती का बुलेट ट्रेन स्टेशन यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस जो स्टेशन है, इसकी बड़ी खासियत आपको बता दें कि जो स्टेशन बनाया जा रहा है, तकरीबन 332 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और ये जो स्टेशन है, ये दरअसल दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, और एक सामने की तरफ जो आप जहां पर येलो और ब्लू में शीशे का काम देख रहे हैं, वो दूसरा स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर में ग्राउंड प्लस 9 यानी कि 9 माले तक का स्ट्रक्चर है, और दूसरे में ग्राउंड प्लस 7 यानी कि 7वें माले तक का स्ट्रक्चर है। ये जो साबरमती स्टेशन होगा बुलेट ट्रेन का, ये अपने आप में बहुत खास होगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ बुलेट ट्रेन में यात्रा करने के लिए लोग आ पाएंगे, बल्कि अगर वो स्टेशन पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे स्टेशन के भीतर जो कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, यानी कि दुकानें होंगी, लोग खरीदारी कर सकते हैं, फूड कोर्ट होगा, और अब खान पान अपने मनपसंद खान पान को वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। यही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक जो गति है, उस लिहाज से भी साबरमती का ये बुलेट ट्रेन बहुत खास है, क्योंकि अगर आप यहां पर ऑफिस लेना चाहते हैं तो ऑफिस स्पेस भी यहां पर मुहैया कराया जाएगा। तो साबरमती का यह स्टेशन इस वक्त आप पहली झलक देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों से बहुत आगे काम हो चुका है, अगले तकरीबन 1-1.5 साल में इस काम को पूरा किया जाना है। और जहां पर हम मौजूद हैं, ये दरअसल वो रास्ते हैं, यानी कि यहां से कार या फिर बड़े वाहन ये उसके लिए रैंप बनाए जा रहे हैं, उनके जरिए वो गाड़ियां अंदर जा पाएंगे, यात्रियों को ड्रॉप ऑफ किया जा सकता है, वहां पर वो यात्री उतर सकते हैं, वो स्टेशन जा पाएंगे। इसके ठीक गुड बगल में जो दूसरा ये रैंप बनाया गया है, ये दो पहिया वाहन के लिए है, और इसके बाद में अगर कोई कमर्शियल गाड़ी है तो उसके लिए अगला रैंप बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हर बात का, हर पहलू का ध्यान रखा गया है कि यात्री जब आए तो उसको आने में, स्टेशन के अप्रोच में कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा ये जो साबरमती का स्टेशन है, ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, यानी कि अगर कोई बुलेट ट्रेन में यात्रा करने के बाद उसको साबरमती में, साबरमती रेलवे स्टेशन से ट्रेन से यात्रा करनी है, जो भारतीय रेलवे की ट्रेन है, तो उसके लिए भी ये अंदर ही अंदर रास्ता दिया गया है, इंटर कनेक्टिविटी दी गई है, और अंदर ही अंदर रास्ते के जरिए वो साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंच सकता है। यही नहीं,
ये साबरमती का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, यहीं से एक कनेक्टिविटी दी गई है मेट्रो के लिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लोकल मेट्रो है, और इस मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी भीतर से एक पैसेज दिया गया, एक रास्ता दिया गया है, ताकि आपको सड़क के जरिए किसी असुविधा का अच्छा सामना ना करते हुए आप वहां पर जा सकते हैं। तमाम खासियत समेटे हुए साबरमती स्टेशन की पहली झलक या ताजा अपडेट आप देख पा रहे हैं, और अब इसको अगले 1 से 1.5 साल में पूरा कर लिया जाना है। यार मजा ही आ गया है, अब जल्दी से दिल्ली का भी बनाएं। देखा तो हमने प्लान की बहुत अच्छा वो भी बनने वाला है, पर दिस इज अमेजिंग। ये तो एयरपोर्ट है और बहुत वेल प्लान्ड है कि भैया अगर आपको मेट्रो के लिए जाना है तो उसके लिए भी कनेक्टिविटी है, नॉर्मल उस ट्रेनों में जाना है तो उसके लिए भी कनेक्टिविटी है। इनसाइड इतना कुछ दिया हुआ है कि आपको बाहर निकल के कुछ लेने की जरूरत नहीं है, खाने की जगह होगी, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने शायद हो सकता है होटल टाइप भी दे दें कि वहां रहना हो अगर आपको एक दो दिन के लिए स्टे करना है या कुछ घंटों के लिए स्टे करना है तो वहां पे कुछ एरियाज भी बनाए होंगे। बट दिस इज जस्ट फैंटास्टिक यार, कमाल का है। ऐसे सारे रेलवे स्टेशंस हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। और ये जो बुलेट ट्रेन का ना, ये तो मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी आए और फिर मैंने तो ट्रैवल करना ही करना है। देखिए उन्होंने ऑब्वियसली पूरी प्लान किया है, प्लानिंग के कोई जिंदगी में कोई चीज बनती नहीं है। एक तरफ मेट्रो की कनेक्टिविटी, एक तरफ इंडियन रेलवे, एक तरफ बुलेट, तो मतलब ये है कि हर चीज़ को उन्होंने एक जगह पे कनेक्ट कर दिया कि इंसान अगर दूर रहता है मेट्रो लेके आए बुलेट ट्रेन से ट्रेवल कर सकता है, अगर किसी और स्टेट से आता है तो भी वहाँ पे उतर के बुलेट ट्रेन में जा सकता है। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और इवेंचुअली इसी को प्रोग्रेस कह रहे हैं मोदी जी। अच्छी बात है कि गुजरात में प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरे कंट्री में लेके जा रहे हैं, और इससे नज़र आता है कितनी फास्ट काम हो रहा है। अभी ये एक मेरे ख्याल से था कि दिल्ली टू अहमदाबाद बुलेट नहीं, मुंबई टू, मुंबई टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मुंबई, हाँ अहमदाबाद, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट नहीं, अहमदाबाद उसके बाद दिल्ली टू मुंबई मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए तो। नहीं किसी के, क्योंकि आप एक आपकी कैपिटल ऑफ इंडिया है और एक फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। सो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है और एक्चुअल पॉलिटिकल कैपिटल इंडिया है, मतलब न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली और मुंबई में बुलेट ट्रेन की प्रायोरिटी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां से क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को वो कॉरिडोर हो जाएगा। मगर यहाँ पे अच्छी बात है, कहीं से शुरुआत करना, तो आपने शुरुआत की है, दैट्स वेरी नाइस। मगर होप ये है कि दिल्ली का जो है जल्दी आए, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम दिल्ली से हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि कैपिटल की शान बढ़ती है। बिल्कुल कैपिटल, आप कहेंगे कैपिटल में जाइए और हमारी कैपिटल में बुलेट ट्रेन है, तो उससे शान बढ़ती है आपकी की, और टूरिज्म भी होगा मगर अल्टीमेटली शान बढ़ेगी कि फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई जाते हैं वहां भी बुलेट ट्रेन है जी और दिल्ली में बुलेट ट्रेन है। उसके बाद आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज जो अभी टॉप 5 में नहीं है। पहले टॉप 5 की सिटीज में बुलेट ट्रेन रहना चाहिए, मगर इतना बड़ा मेरे ख्याल से डिस्टेंस वो ट्राई नहीं करना चाहते थे, पहले छोटा डिस्टेंस ट्राई करना चाहते हो। इसके पीछे भी पूरी प्लानिंग होगी कि पहले आप छोटे डिस्टेंस में कामयाब होइए, जब छोटा डिस्टेंस कामयाब होता है देन यू डू द बिगर डिस्टेंस। तो काफी अच्छा वीडियो था, मजा आ गया यार, फीलिंग सो प्राउड। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।